हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इंसाइडर के चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन है वो साइडवेज मोमेंटम ले रहा है या धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसी वजह से आपको मैक्सिमम जो ऑल्टकॉइन है यूएसडी टर्म में आपको नीचे जाते हुए जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन जो बीटीसी के टर्म में है वो काफी अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं पिछले 24 आवर्स में। तो देखेंगे आज की वीडियो में डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। तो जाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, मैं छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टेक्ट करता है तो उस पर्सन को आप सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्कैम रिपोर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपको ठगी कर सकता है। याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। जी हाँ, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे जो कल का जो मोमेंटम आया ओवरऑल वो ग्रीन कैंडल बना है। ऑल्दो जो मैंने कल आपको कहा था कि बहुत ही क्रिटिकल जोन को हम टेस्ट करने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर में, वो दिखा हमें 60.82 के लेवल को हमने रीटेस्ट किया। जिस वक्त ये इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा था उस टाइम मैक्सिमम जो ऑल्टकॉइन थे वो ग्रीन थे इन टर्म्स ऑफ बीटीसी, इन टर्म्स ऑफ यूएसडी डॉलर एज वेल। एंड फिर धीरे धीरे जो मोमेंटम आया बिटकॉइन में उसकी वजह से फिर ये ऊपर की तरफ गया। दोस्तों, जो ओवरऑल क्लोजिंग आया वो जो है कल के कंपेरिजन वो जो है ओवरऑल ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है। एंड ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड है, साइडवेज मोमेंटम मैंने बार बार बोला हुआ है कि ये वाला जोन जब तक नीचे की तरफ क्लोज नहीं करता सक्सेसफुली बैक टू बैक 2 या 3 दिन तक, तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ऑल्ट सीजन में जो पेस की जरूरत है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक और दिन हमारा फेल हुआ और अल्टीमेटली हम इस जगह पे ग्रीन कैंडल बनाया। अब नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डे आज की बात करें तो अभी फिलहाल 10 EMA को हम रीटेस्ट कर चुके हैं एंड वापस से नीचे गए हैं। अभी वापस से हम ऊपर जा रहे हैं एंड अभी फिलहाल ग्रीन कैंडल बना हुआ। अगर मैं मैकडी की बात करूं तो नेग्लिजिबल है मैकडी, और आरएसआई भी नीचे की तरफ थोड़ा सा पैरेलल मोमेंटम बना के रखा हुआ है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर मोमेंटम नहीं आता मार्केट में तो हमें यहाँ पे भी पैरेलल मोमेंटम दिखेगा और नीचे का लेवल हम फिर से रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं। वहीं 1 आवर के कैंडल्स पे हमें दिख रहा है कि 20 EMA को हमने सक्सेसफुली रीटेस्ट किया और ऊपर जा रहे हैं, यानी कि 10 एंड 20 EMA के ऊपर जा रहे हैं। आरएसआई हमारा ऊपर जा रहा है, बाउंस कर रहा है, मैकडी हमारा ग्रीन है। तो आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में आपको देखने को मिलेगा कि वापस से हम 62 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं एंड उसको रीटेस्ट करते वक्त फिर उसको रीटेस्ट करने के बाद हम दोस्तों फिर फर्दर डाउनवर्ड मोमेंटम बना सकते हैं। वहीं में अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो कल बहुत बड़ा वीक एक नीचे की तरफ देखने को मिला था, 60.51 तक गया था। उस टाइम ऑल्टकॉइन बहुत तेजी से शार्पली मूव किया था ऊपर की तरफ, वहीं उसके बाद वापस से जो कैंडल का क्लोजर था वो ऊपर की लाइन को टच करके फाइनली कैंडल जो था ग्रीन क्लोज किया था। वहीं से हमारा जो पैटर्न है वो मोमेंटम लिया ऊपर की तरफ और उसके बाद से जो है कंटिन्यूसली 4 आवर के कैंडल्स पे हमें रिवर्स बैक देखने को मिल रहा है एंड हमारा मैकडी ऊपर जा रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है। तो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले 7 से 8 घंटे हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बैक टू बैक दिखे एंड उसके बाद 20 EMA हमें अभी फिलहाल रेजिस्टेंस देता है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली। एंड अगर हम सक्सेसफुली 20 EMA के ऊपर क्लोज कर लेते हैं तो कुछ कुछ हम 62 का लेवल जरूर टेस्ट करेंगे, 62 के लेवल को रीटेस्ट करके वापस से हम 4 आवर के कैंडल्स पे भी 20 EMA को रीटेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड इस ड्यूरेशन में ऑब्वियसली जो जिस हिसाब से कैंडल के प्रोग्रेस है उस हिसाब से आज का कैंडल जो है या तो पैरेलल मोमेंटम बना के रखेगा, मतलब इसी के नियर बाय कहीं पर क्लोजर होगा या फिर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगा। ऑल्दो याद रखिएगा कि वनडे के चार्ट पे हमारा 10 EMA जो है नीचे आ चुका है, 20 EMA ऊपर है, पैरेलल मोमेंटम बना रखा है, तो नो डाउट हम यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आज का दिन भी क्रूशियल है कि इस लेवल को वापस से रीटेस्ट भी कर सकते हैं नीचे वाले जोन को। फिलहाल जो है हम पहले 62 का लेवल रीटेस्ट करेंगे, देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें वहां से फेलियर मिलता है नहीं। अगर फेलियर मिलता है, अगर फेल होता है, रेजिस्टेंस मिलता है तो हम वापस से नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल ऑल्ट कॉइन में ओवरऑल क्या हो सकता है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि जब भी ये ऊपर जाएगा तब ऑल्ट कॉइन में थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिखेगा, जब भी ये नीचे जाएगा ऑल्ट कॉइन में हमें प्रोग्रेसिव मूव दिखेगा ऊपर की तरफ। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, बिटकॉइन जो है कल ऑब्वियसली जो कैंडल है ऑलमोस्ट ग्रीन क्लोज किया है लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल। अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो काइंड ऑफ इनवर्स हैमर बनाने की कोशिश किया है, लेकिन हम इसे इनवर्स हैमर कहेंगे नहीं क्योंकि इसका जो नीचे का विक है वो दिख रहा है हमें, तो काइंड ऑफ डोजी कॉइन ही कहेंगे। तो यहाँ पे अभी भी मार्केट इंडेक्स से मोड पे है, कल ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास को रीटेस्ट किया एंड ड्यू टू लेस वॉल्यूम अल्टीमेटली फेल हुआ। एंड आज भी जो है हमारा जो लेवल है 58,632 का लेवल रीटेस्ट कर चुका है एंड उसके बाद से अभी डाउनवर्ड मोमेंटम जा रही है। तो हो सकता है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें 55,000 का लेवल रीटेस्ट करते हुए दिख जाए बिटकॉइन। वहीं अगर मैं 1 आवर के कैंडल्स की बात करूं, 1 आवर के कैंडल्स पे जी हाँ बिल्कुल आपको साफ साफ क्लियर नजर आ रहा होगा कि ईएमए रिवन को हमने क्लोज कर दिया है एंड हमारा 100 EMA जो है फेल हो रहा है। अब वापस से हम 200 EMA को रीटेस्ट करने वाले हैं। कल के दिन मैक्सिमम लोगों ने उम्मीद बना के रखी थी कि ये बिटकॉइन ऊपर जाएगा और मेरा मानना था कि ये साइडवेज मोमेंटम लेगा या फिर डाउनफॉल दिखाएगा। अल्टीमेटली बहुत ही टाइम लेने के बाद अल्टीमेटली अभी ये डाउनफॉल दिखा रहा है, यानी कि जो अब ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ ये हमें दिख सकता है 55,000 का लेवल। सबसे पहले जो मेजर सपोर्ट मिलेगा 55,000 के आसपास मिलेगा एंड अभी आरएसआई नीचे जा रहा है, मैकडी हमारा नीचे है, तो ये डाउनफॉल जो है मेजर सबसे पहला जो 1 आवर पे सपोर्ट मिलेगा वो 57,000 के आसपास मिलेगा गाइस। एंड उसके बाद इसमें अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं, 4 आवर के कैंडल्स पे भी हम वापस से जो कैंडल है वो क्लोज कर रहे हैं नीचे की तरफ। ऑब्वियसली अभी 1 आवर से ऊपर है ये कैंडल क्लोज होने में, अगर ये कैंडल इसके नीचे कहीं पे भी क्लोज होता है तो जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैंडल होता है वो अगर
ये सारे ईएमए लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है, तो यानी कि अब जो है हम वापस से 55,000 का लेवल जरूर रीटेस्ट करेंगे आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स या फिर कह सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। मैकडी हमारा नीचे जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, तो जो बेयरिश पैटर्न है वो क्लियर है विजिबल, तो अभी तो हम अभी जो पैटर्न है हमारा वो नीचे ही जाएगा। और वनडे के चार्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैकडी हमारा रेड हो चुका है, आरएसआई धीरे धीरे नीचे जा रहा है, बट अभी जो मोमेंटम है वो पैरेलल बना के रखा हुआ है। लेकिन आज मेरा मानना है सबसे पहला जो सपोर्ट मिलेगा 55,000 पे मिलेगा। अगर 55,500 के आसपास से बाउंस बैक नहीं करता है देन वी कैन सी कि इसके नीचे भी क्लोजर ले सकता है। एंड अगर आज हम कैंडल 55,000 या उसके नीचे क्लोजर लेते हैं तो नेक्स्ट कंजुकेटिव डे और भी ज्यादा बेयरिश हो सकता है दोस्तों। एंड मोस्ट चांसेस है कि यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक मिले 55,000 के लेवल पे। वहीं जो आप वॉल्यूम देखोगे वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं आ रहा जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो वॉल्यूम जिस हिसाब से नेग्लिजिबल बना हुआ है इस हिसाब से ब्रेकआउट जो ऊपर की तरफ जो सारे पैटर्न जो बुलिश शो कर रहे हैं वो अल्टीमेटली फेल हो रहा है। एंड मेरा मानना है गाइस अगर ये इस ट्रेंड को फॉलो किया तो ये जो हमारा डॉटेड लाइन है ये डॉटेड लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे अभी से नहीं बहुत महीनों से ये फॉलो कर रहा है, राइट? ये डॉटेड लाइन को जैसे फॉलो करता आ रहा है लगभग लगभग अक्टूबर 2020 से। अभी हमने इसका ऊपर का लेवल रिटेस्ट किया था फिर नीचे आए थे, लेकिन अल्टीमेटली जो है हमने ऊपर का मोमेंटम फिर से दिखाया वन डे चार्ट पे। अब वापस से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा मानना है ये डॉटेड लाइन अगर फॉलो किया तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो है 48,000 या कैसे तो 50,000 के आसपास का लेवल आने वाले दिनों में रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है। और उस टाइम तक ये हो सकता है कि ये डॉटेड लाइन जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाए। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बट थोड़ा बहुत रिट्राई करता हूँ इसे रिड्रॉ करने की। एंड अगर आप देखोगे कि आने वाले जो लगभग 26 मार्च है 26 मार्च को ऑलमोस्ट ये जो है 50,000 के लेवल के आसपास होगा जब इसका क्रॉस ओवर होगा। तो इट मोस्ट प्रोबेबली जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिटकॉइन हमें अभी भी 50,000 लेवल तक जाते हुए दिख सकता है। एंड जितना ज्यादा दिन ये इस जोन में ट्रेवल करता रहेगा उतना अच्छा होगा ओवरऑल ऑल्टकॉइन के लिए। एंड हो सकता है डोमिनेंस लेवल पे उस वक्त तक हमें एक एग्जैक्ट पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते हुए दिख जाए। तो अभी जो आने वाले नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डेज हैं उसमें आपको देखने को मिल सकता है, अगर 55,000 से बाउंस बैक नहीं मिलता है आने वाले नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में तो फिर हमें देखने को मिल सकता है ये इस लेवल को जरूर रीटेस्ट करेगा 50,000 के लेवल को बिटकॉइन। तो गाइज ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है। मैं लेके चलता हूँ इथेरियम का बीटीसी चार्ट पे। जी हाँ, इथेरियम का बीटीसी चार्ट भी वेट एंड वॉच सिचुएशन में बना हुआ है। अल्टीमेटली कल का कैंडल भी रेड क्लोज हुआ है एंड आज का कैंडल अभी स्टार्टिंग के साथ ही रेड क्लोज हो रहा है। तो ये जो हमारा जो क्रूशियल जोन बना हुआ है ये वाला जो लेवल जो पिछले हम ऑलमोस्ट 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 26 फरवरी से अभी तक बने हुए हैं जिस लेवल पे वही लेवल पे पैरेलल बना के रखा हुआ। ये डब्ल्यू पैटर्न अभी भी वैलिड है, इट डजंट मीन कि ये इस लाइन के साथ फॉलो नहीं कर रहा है, ये इट डजंट मीन कि ये अभी पैटर्न जो है बनेगा नहीं। ऐसा पॉसिबल है कि जैसे ही मोमेंटम आए यहाँ पे, क्योंकि अभी ना वॉल्यूम आ रहा है और ना ही वॉल्यूम आ रहा है ना ही ये डिसाइड कर पा रहा है किधर जाना है, तो जब तक ये नहीं लेता है तब तक ऑब्वियसली हमें साइडवेज मोमेंटम दिख रहेगा। एंड जब भी साइडवेज मोमेंटम लेगा तो इथेरियम का जो यूएसडी प्राइस है वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि बिटकॉइन का यूएसडी प्राइस कैसा चल रहा है। तो अभी के लिए हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बिल्कुल ही उस लेवल को रिटेस्ट कर रहे हैं जिस लेवल पे हमें हो सकता है एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल जाए जैसे वॉल्यूम आता है, या फिर एक डाउनफॉल भी देखने को मिल जाता है। अगर डाउनफॉल जाता है दोस्तों तो 0.29 जो लेवल है वहां तक जा सकता है, 0.294 तक सतोसी में। एंड जो अभी का लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, तो इट डजंट मीन कि यहाँ से ये नीचे जाएगा ही जाएगा। तो आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में अगर मैं वन आवर के चार्ट की बात करूँ तो 1 आवर के चार्ट पे 20 एमए फेल हो रहा है फिलहाल। एंड जिस हिसाब से ये फेल हो रहा है उस हिसाब से अभी ऑलमोस्ट हो सकता है नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स अभी और नीचे जा सकता है। एंड नीचे जाने का मतलब है कि यहाँ पे पैरेलल मोमेंटम बना सकता है वर्स्ट सिनेरियो में, अभी 1 आवर के चार्ट पे 0.0306 के आसपास भी दिख सकता है एंड उसके बाद हमें वापस से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एंड क्योंकि मैकडी जो है नीचे जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले नेक्स्ट जो फ्यू आवर्स है उसमें आपको पैरेलल मोमेंटम या नीचे जाते हुए दिखेगा एंड उसके बाद ये ऊपर की तरफ मूव दिखाना शुरू कर सकता है। वहीं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ, 4 आवर के कैंडल्स पे हमें जो है 20 एमए रिजेक्शन मिला है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम वापस से इस लेवल को रिटेस्ट करें आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो जब भी हम जितनी जल्दी हम 20 एमए के ऊपर जाएंगे दोस्तों उतनी जल्दी हमें रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल सकता है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे भी और ओवरऑल इथेरियम के प्राइस में भी दोस्तों। तो नजर बना के मैं रखूंगा, जब भी कोई अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले अपडेट दूंगा। एंड गाइस अब मैं बात कर लेता हूं इथेरियम के यूएसडी चार्ट की। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे मुझे जो है 20 एमए रिटेस्ट करते हुए दिख रहा है एंड कल का कैंडल ऑब्वियसली हमने 20 एमए रिटेस्ट करके ऊपर गया है, लेकिन रेड कैंडल क्लोज किया डोजी कैंडल, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो इंडेसिसिव मोड है मार्केट का वो बना हुआ है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है इथेरियम में। यही रीजन है कि ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है बिटकॉइन के प्राइस पे और बिटकॉइन के प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, इसलिए इथेरियम भी यूएसडी चार्ट पे कंटिन्यूसली नीचे जाता हुआ दिख रहा है। जो वर्स्ट सिनेरियो है दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ $1,600 के आसपास भी जा सकता है, अगर किसी आवर में आपको जाते हुए दिखता है तो आप एंट्री ले सकते हो क्योंकि वहां से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ऑल्दो हमें वनडे के चार्ट पे मैकडी जो है रेड दिख रहा है, आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इट डजंट मीन कि
ये पैटर्न जो है वैलिड हो जाएगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम आता है तो वी कैन सी द रिवर्सल क्विकली, एंड ऑब्वियसली जो यूएसडी का ग्राफ है वो बिटकॉइन के प्राइस के साथ भी चेंज होगा दोस्तों। अभी जो है फिलहाल 1764 के आसपास जो है हमारा 100 EMA बना हुआ और 100 EMA हमें सपोर्ट दे रहा है, तो ये वाला कैंडल अगर क्लोज होता है तो आने वाले नेक्स्ट जो कंजर्वेटिव कैंडल्स है वो हमें वापस से 20 EMA रिटेस्ट करते हुए दिख सकता है। एंड वहीं RSI नीचे जा रहा है तो इट मीन्स कि क्वाइट पॉसिबल कि वापस से हम इस लेवल को रिटेस्ट कर सकते हैं $1700 को भी आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में। वहीं 1 आवर के कैंडल की बात करूँ, 1 आवर के कैंडल पे हमारा सब कुछ फेल हो रहा है, 20 एंड 200 EMA भी फेल हो रहा है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ से जो है थोड़ा बहुत रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब RSI ऑलमोस्ट निगलिजिबल बन गया, ऑलमोस्ट नीचे आ गया है, यानी कि नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में हमें थोड़ा सा रिवर्स बैक देखने को मिलेगा एंड वापस से हम 20, 100 एंड 200 EMA को रिटेस्ट करेंगे। जब तक सक्सेसफुल नहीं होंगे तब तक ऊपर का लेवल हमें देखने को नहीं मिलेगा ओवरऑल इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे गाइस। तो आज का दिन यूएसडी डॉलर के टर्म में आपको थोड़ा बहुत रेड दिखेगा इन टर्म्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन, क्योंकि क्योंकि आपका जो बिटकॉइन है वो नीचे जा रहा है गाइस, एंड वो ऑल्ट कॉइन जो आउट परफॉर्म करेंगे बिटकॉइन को वही आपको यूएसडी ग्राफ में मेंटेन करते हुए दिखेंगे या फिर ग्रोथ करते हुए दिखेंगे। ऑल्दो BTC के चार्ट पे आपको ऑल्ट कॉइन जो है वो ग्रोथ करते हुए दिख सकते हैं, वहीं डोमिनेंस लेवल पे जो है अभी चार्ट जो है जैसे जैसे बिटकॉइन नीचे जा रहा है वैसे वैसे हम रेड कैंडल बना रहे हैं, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे फेलियर हो जाए, जो हम 1 आवर के चार्ट पे जो पैटर्न बोल रहे हैं कि यहाँ पे फेल हो जाए और इसी लेवल के आसपास क्लोजर बनाए एंड अल्टीमेटली हम नीचे जाए। जो भी होगा हाल वो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, बाकी मैंने आपको बता दिया ओवरऑल मूव क्या हो सकता है। अभी नेक्स्ट कपल ऑफ आवर मुझे ऊपर जाते हुए दिख रहा है, ऑल्दो अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है 20 EMA से, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है, इवन कि हमारा MACD जो है वो ग्रीन है। वन डे के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल मोमेंटम बना रहेगा, हो सकता है कि इस लेवल को नीचे भी रीटेस्ट करें आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में। तो गाइस ये हो गया मार्केट का ओवरऑल अपडेट, अब मैं ले लूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.blogspot.com पे जाके होम पेज पे जाके लाइव डिस्कशन का टैब बना हुआ है जिसपे आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। याद रखिएगा ये चार्जेबल है, एंड ये भी याद रखिएगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, फिर भी आप मेरा ओपिनियन चाहते हो तो आप जरूर मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, और जो भी मीटिंग का टाइम आप दोगे उसके आसपास उसके नियर बाय जब भी मेरे पास टाइम रहेगा मैं आपके साथ मेल पे कम्युनिकेट करूंगा। मेरा ऑफिशियल मेल आईडी जो है वो यहाँ पे अबाउट मी सेक्शन में मेंशन है, इसी मेल आईडी से आपको ईमेल आएगा एंड आप उस ईमेल आईडी से जब आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा मीटिंग की रिक्वेस्ट तभी आप मुझे पेमेंट करना, उससे पहले नहीं। दोस्तों याद रखना अगर आप मुझे अभी तक बाकी के सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं फॉलो कर रहे तो ट्विटर एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं वहीं पे देता हूं। इसके अलावा आप फेसबुक पे भी मुझसे चैट करने के लिए चैट रिक्वेस्ट भेज सकते हो दोस्तों। एंड गाइस अगर आप मेरे से रिकमेंडेड टूल्स एंड साइट पूछो तो मेरा जो बेस्ट रिकमेंडेड एक्सचेंज है वो है बायनेंस, उसके बाद वजीरस, BitBNS, इन सबके जो रेफरल कोड है वो यहाँ पे मेंशन है, एंड इन लिंक से अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो या रेफरल कोड यूज करते हो जो भी यहाँ पे डिस्काउंट अवेलेबल है दोस्तों वो लाइफ टाइम के लिए आपके ट्रेडिंग फी पे अप्लाई होगा। तो मेक श्योर कीजिएगा अगर अकाउंट नहीं एग्जिस्ट करता तो फ्री का अकाउंट जरूर बना लो एंड KYC करके रख लो दोस्तों, एंड अगर आप TA करना चाहते हो तो इस लिंक से जाकर रजिस्टर कर लेना, एंड अगर आपने पोर्टफोलियो मैनेज करना नहीं सीखा तो जाके आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करो और कैसे कैसे अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना सारा कुछ मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, और उस पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है एक्सेल शीट में रुपीज में यूएसडी डॉलर में या फिर BTC के टर्म में वो सारा कुछ इस क्रिप्टो सीट पे मैंने दे रखा है। ये वाला आप डाउनलोड कीजिएगा सीट, और इसका जो डेमो वर्जन है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप मेरा जो प्लेलिस्ट है वो जाकर चेक कर लीजिएगा और उसका डेमो का वीडियो भी देख लीजिएगा समझने के लिए। बाकी आपके पास कोई बड़ा अमाउंट है क्रिप्टो में तो मैं रिकमेंड करूंगा हार्डवेयर वॉलेट जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगा मोस्ट वो होगा सेफपल, उसके बाद लेजर नैनो, ट्रेजर और कोल्ड कार्ड बिटकॉइन एंड कोल्ड हार्डवेयर वॉलेट। एंड गाइज इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप डोनेट भी कर सकते हो, डोनेशन का जो UPI का स्कैनर हो नीचे वीडियो के अवेलेबल होगा, साथ ही साथ दोस्तों आप TRX Polkadot Ethereum या बिटकॉइन में भी आप डोनेट कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा TRX Polkadot में कीजिए सो दैट आपका ट्रांजेक्शन फी जो है कम लगे, एंड अगर आप UPI से करना चाहते हो तो UPI का स्कैनर कोड यहाँ पे भी बना हुआ है दोस्तों। अब बिना देरी किए दोस्तों आप ले लेता हूं आप लोग की क्वेरीज जो आपने पिछले वीडियो में पूछा है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दूं अभी नेक्स्ट वीडियो में तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन जरूर पूछेगा। कल के वीडियो में टोटल 29 यूनिक कमेंट्स आए, अगर मैं पिक करूं विनर तो अमित जी लिख रहे हैं सर लिंक का मूव बता दो। चेनलिंक का नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में एंड मिड टर्म में वो मैं आपको क्विकली से बता देता हूँ। चार्ट पे वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि चेनलिंक जो है अभी 100 EMA को रिटेस्ट कर रहा है एंड जो MACD है वो नीचे बना हुआ है, RSI जो है वो पैरेलल मोमेंटम बना के रखा है, लेकिन क्या ये बॉटम और आएगा तो इट्स नॉट नेसेसरी। याद रखिएगा ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे जैसे मूव मार्केट दिखाएगा वैसे वैसे ही अपडेट होता है, तो इट डजंट मीन कि ये यहाँ से और नीचे जा सकता है, बट वीकली चार्ट पे अभी MACD जो है नीचे बना हुआ है। वहीं 100 EMA जो है अभी अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे रहा है एंड सपोर्ट की तरफ भी अच्छा खासा सपोर्ट भी दे रहा है और रेजिस्टेंस भी दे रहा है फिलहाल इस वीक, तो अभी इसके अगर ऊपर क्लोज कर जाते हैं तो हम फिर फर्दर ऊपर क्लोज करते हुए दिखेंगे आने वाले नेक्स्ट कंसेक्यूटिव वीक्स में दोस्तों लिंक के BTC चार्ट पे। वहीं अगर मैं वन डे के चार्ट की बात करूं, वन डे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि लिंक जो है MACD जो है हमारा रेड से ग्रीन हो चुका है, RSI मोमेंटम बना रखा है, हम जो है फिलहाल 20 EMA को रिटेस्ट कर रहे हैं एंड फेल हो रहे हैं, तो जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम बाकी के लेवल को रीटेस्ट नहीं कर सकते, तो अभी जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर है वो सकता है हम 20 EMA को रीटेस्ट करके सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज कर ले। वहीं मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे MACD रेड है, RSI नीचे जा रहा है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले जो नेक्स्ट
कंसेक्यूटिव कुछ आवर्स है, कपल ऑफ आवर्स है, वो हमें इसी लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखे चेनलिंग, एंड देन उसके बाद हम 20 MA को फर्दर रिटेस्ट करके ऊपर जाएंगे और कुछ जो है सात मोमेंटम ऊपर की तरफ लेंगे। एंड याद रखिएगा दोस्तों कि वॉल्यूम जो है बहुत मैटर करता है, और चेनलिंग में भी जो है वॉल्यूम ओवरऑल अभी नहीं आ रहा है। ये आप नोटिस कर रहे होगे कि सारे ही सारे ऑल्ट कॉइन हो या फिर बिटकॉइन हो या इथीरियम हो, मेजर जो मार्केट के आपके जो ऑल्ट कॉइन्स हैं या फिर बिटकॉइन है या फिर इथीरियम हो गया, वो जो है आपका उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा, और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं फॉल बैक चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा बहुत करेक्शन अभी और आ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हम ऊपर की तरफ मूव करते हुए दिखेंगे। अभी 20 MA हम फेल कर रहे हैं 4 आवर के चार्ट पे, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में और नीचे जा सकते हैं, एंड हम इस लेवल को वापस से टेस्ट कर सकते हैं 0.0047। वहीं अगर मैं बात कर लूँ वापस से वनडे के चार्ट पे, तो वनडे के चार्ट पे आपको दिख ही रहा है कि मैग्डी रेड से ग्रीन बन चुका है, RSI जो है पैरेलल मोमेंटम बना रखा है। तो क्या ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा? तो इट डजंट मीन। अगर अगर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर्स में बैक टू बैक फेल होता तो हम इस लेवल को जरूर रिटेस्ट करेंगे, एंड देन हम ऊपर का मोमेंटम फिर से लेने की कोशिश करेंगे। एंड सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम आए, और वॉल्यूम जब तक नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी श्योर शॉट नहीं कह सकते। वहीं चेनलिंक की जो अपकमिंग मूव्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ BTC, जब भी ये ऊपर की तरफ मोमेंटम लेगा तो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ चेनलिंक में क्या क्या पॉसिबल है। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेसिस पर अगर देखूँ, इसका टॉप जो आया था अभी रिसेंटली एंड जो इसका बॉटम आया है, एंड अगर मैं उसके हिसाब से देखूँ, तो जो अभी नेक्स्ट कंसेक्यूटिव जो आने वाले वीक्स में हमें ऊपर का मूव देखने को मिलेगा वो लगभग लगभग 0.0024 तक देखने को मिल सकता है लिंक चेन लिंक जो है आने वाले नेक्स्ट कंसेक्यूटिव फ्यू मंथ्स में दोस्तों। एंड ऑब्वियसली इससे पहले इसको जो है इस लेवल को रीटेस्ट करके ऊपर जाना होगा, एंड अभी हम उसको रीटेस्ट कर रहे हैं, यानी 20 MA जैसे ही हम ऊपर चले जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो मूव होगा वो न्यू ऑल टाइम हाई होगा BTC चार्ट पे चेन लिंक का। वहीं अब चेन लिंक के मैं USD चार्ट की बात करूँ, तो USD चार्ट पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो अवेलेबल चार्ट है उसमें आप देखो कि USD चार्ट पे ये ऑल टाइम हाई पे बना हुआ है, एंड कंटिन्यूसली जो है हम रीटेस्ट कर रहे हैं 20 MA, एंड आफ्टर टेस्टिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $38 के आसपास हम रीटेस्ट किए हैं, एंड 20 MA का सपोर्ट लेकर अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ऑल दो मैग्डी हमारा जो है नीचे बन रहा है, थोड़ा सा RSI जो है पैरेलल मोमेंटम बन रखा है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि USD ग्राफ पे आपको रिटर्न होते हुए ज्यादा नहीं दिखेगा। और वर्स्ट सिनेरियो देखूं, वर्स्ट सिनेरियो अगर कहीं पे भी कुछ भी फ्लक्चुएशन आता मार्केट में, $22 तक चेनलिंक आपको जाते हुए दिख सकता है। वर्स्ट सिनेरियो आई सेड, इट डजंट मीन, इट डजंट गारंटी कि ये ऐसा होगा, बट मैं वर्स्ट सिनेरियो आपको बता दिया हूं। अगर कभी भी जाए $22 पे तो आप जरूर पिक कर सकते हो। वहीं अगर मैं वनडे के चार्ट की बात करूँ, तो वनडे के चार्ट आपको दिखेगा 20 MA को हम करेंटली रीटेस्ट कर रहे हैं, एंड क्योंकि बिटकॉइन नीचे जा रहा है USD टर्म में तो चेनलिंग भी नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि चेनलिंग BTC की ग्राफ पे भी ग्रो नहीं कर रहा है। रीजन में कि वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम नहीं है तो ये नीचे जा रहा है, तो ये मोमेंटम कब तक जारी रह सकता है? मेरा मानना है कि हो सकता है ये $27 को वापस से रीटेस्ट करें आने वाले नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर्स में या नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डेज में दोस्तों। एंड वहीं अगर मैं बात करूं 4 आवर के कैंडल्स की, तो 4 आवर के कैंडल्स आप देखोगे कि अभी पिछले कुछ आवर्स से ये कंटिन्यूअसली फेल हो रहा है, जैसे जैसे बिटकॉइन नीचे जा रहा है, तो जो मेजर सपोर्ट बनेगा वो लगभग $28.45 के आसपास मिलेगा, एंड उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वहीं 1 आवर के कैंडल्स की बात करूं, तो 1 आवर के कैंडल्स पे आपको जो है अभी ऑलमोस्ट हम डिप कर चुके हैं, हो सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स और भी ज्यादा हम थोड़ा बहुत डिप करें, देन उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, एंड उस वक्त जो है 20 MA हमें रीटेस्ट करना होगा, और रीटेस्ट करके अगर हम फेल होंगे तो फर्दर नीचे जाएंगे, अदरवाइज हम ऊपर जाएंगे दोस्तों। तो पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी आपको क्या क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में। तो अमित जी, होपफुली आपको आंसर मिल गया कि चेन लिंक नेक्स्ट 24 आवर्स से लेके नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में क्या कर सकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो अभी जो है मेजर जो ऑल्ट कॉइंस है, जो हाई मार्केट कैप के ऑल्ट कॉइंस है, उन सब में वॉल्यूम की कमी हो रही है, और यही रीजन है कि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जो है हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा, या अदरवाइज साइडवेज मोमेंटम बना के रखा हुआ है दोस्तों। एंड क्योंकि बिटकॉइन भी नीचे गिर रहा है या साइडवेज मोमेंटम बना रहा है, इसलिए USD ग्राफ में आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन इसका इट डजंट मीन कि ऑल्ट कॉइन ग्रो नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे बिटकॉइन डोमिनेंस लेवल नीचे जाता जाएगा, वैसे वैसे ऑल्ट कॉइन ग्रो करेंगे। एंड याद रखना, हर एक ऑल्ट कॉइन एक दूसरे से डिफरेंट वे में बिहेव करता है, लेकिन ओवरऑल जो है उसका ग्रोथ थी ओवरऑल जो उसका ग्रोथ कर्व है वो जरूर अचीव होगा दोस्तों इस बुल रन में। तो दोस्तों, आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट सेलेक्ट हो, तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपना कमेंट जरूर लिखो, क्वेश्चन जरूर पूछो, एंड क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही कमेंट शामिल कर पाता हूँ, लेकिन ट्राई करता हूँ मैं सारे कमेंट पढ़ने की पर्सनली दोस्तों। एंड अगर आप मुझे अभी फॉलो नहीं कर रहे ट्विटर टेलीग्राम पे, तो जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सबसे पहले रियल टाइम जो अपडेट है वहीं पे मिलेगा आपको। गाइस, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, चाहिए।